यू वेलकम टू माई न्यू वीडियो. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट होंडा लिवो BS6 बाइक. और इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवरअप करने वाले, जैसे प्राइस के रहने वाले, कलर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, और साथ में ये भी कवरअप करने वाला फीचर स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाले. लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अपने भाई की चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन तक पहुँच सके और आपने वीडियो से अपडेट रह सके. लेकिन कहीं जब वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. और कहीं जैसे कि आपको पता है, आपको सबसे प्राइस के बारे में बात करता है. प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ, जो चीज़ बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेस करते हैं. सो चलिए इस प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं. बट गाइस, मैं आपको इससे पहले बताना चाहूँगा, इसके दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ड्रम वेरिएंट और डिस्क वेरिएंट. ये दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं. सो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे ड्रम वेरिएंट के बारे में. सो गाइस, इसका एक्चुअल प्राइस दिया गया 69,971 रुपी, और साथ में RTO अमाउंट दिया जाएगा 5,597 रुपी, इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाएगा 5,927 रुपी. गाइस, अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में. ऑन रोड प्राइस क्या दिया जाएगा? सो गाइस, ऑन रोड प्राइस दिया जाएगा 81,495 रुपी. गाइस, अब बात करते हैं डिस्क वेरिएंट के बारे में. गाइस, इसका एक्चुअल प्राइस दिया जाएगा 74,171 रुपी, RTO अमाउंट दिया जाएगा 5,933 रुपी. गाइस, अब बात करते हैं इंश्योरेंस अमाउंट के बारे में. इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाएगा 6,016 रुपीस. गाइस, अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में. ऑन रोड प्राइस क्या दिया जाएगा? सो गाइस, ऑन रोड प्राइस दिया जाएगा 86,120 रुपीस. गाइस, आपकी सीट में मेरी सीट में थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, वो इसलिए क्योंकि हर सीट का RTO अमाउंट और इंश्योरेंस अमाउंट डिफरेंट होता है. बट गाइस, ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, 500 रुपीस का इजीली डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा. गाइस, अब बात करते हैं कलर्स के बारे में, से कितने डिफरेंस कलर्स दिए जाएंगे. सो गाइस, इसमें 4 डिफरेंस कलर्स दिए जाएंगे, एथलेटिक ब्लू, ब्लैक जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा ही रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्यारा कलर्स है, इंपीरियल रेड, मेटलिक, मैट एक्सेस ग्रे. गाइस, चारों कलर्स में से आप कमेंट्स में जरूर बताना आपका फेवरेट कलर कौन सा है. लेकिन चारों कलर बहुत ही ज़्यादा क्लासिक और ऑसम कलर्स लगते हैं देखने में. जैसे बात करते हैं फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे इंजन ट्रांसमिशन के बारे में. इंजन टाइप एयर कूल 4 स्टॉक SI BS6 इंजन दिया जाएगा. जैसे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि जैसे कि आपको पता है इसका डिस्प्लेसमेंट 110 cc है, लेकिन इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है 109.51 cc का. जैसे बात करते हैं मैक्सिमम पावर के बारे में, मैक्सिमम पावर दिया गया 8.79 PS एंड 7,500 RPM. जैसे बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, मैक्सिमम टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा दिया, मैक्सिमम टॉर्क दिया गया 9.30 Nm एंड 5,500 RPM. ये सब बात करते हैं कूलिंग सिस्टम की, कूलिंग सिस्टम इसमें दिया जाता है एयर कूल्ड के अंदर, ड्राइव टाइप चेन ड्राइव. गई जब बात करते हैं स्टार्टिंग के बारे में, बाइक स्टार्ट कैसे होती है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं भाई ये बाइक स्टार्ट कैसे होती है, इसके अंदर किक स्टार्ट दिया, सेल्फ स्टार्ट दिया. तो मैं आपको पहले ही लगा दूँ भाई, इसके अंदर किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों की फैसिलिटीज दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है. फ्यूल सप्लाई FI में दी जाएगी, जिससे हम लोग फ्यूल इंजेक्शन भी बोलते हैं. क्लच मल्टीप्लेट बैक क्लच में दिया जाएगा, ट्रांसमिशन मैनुअल में. गाइस, अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में. गियर बॉक्स 4 स्पीड के दिन दिए जाएंगे, यानी कि 4 गियर्स वाली बाइक होने वाली है. गाइस, अब बात करते हैं बोर के बारे में, बोर दिया जाएगा 47 mm, स्टॉक 63.121 mm. गाइस, अब बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में, कंपैरिजन दिया जाएगा 10:1:1 के अंदर. गाइस, अब बात करते हैं एमिशन टाइप के बारे में, एमिशन टाइप क्या दिया जाएगा? सो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ BS6 बाइक होने वाली है, सो गाइस एमिशन टाइप को BS6 में दिया जाएगा. गाइस, अब बात करते हैं फिर सेफ्टी के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे ब्रेकिंग टाइप के बारे में. ब्रेकिंग टाइप इसमें काफ़ी बढ़िया दिए जाएंगे, ब्रेकिंग टाइप कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में दिए जाएंगे, सर्विस ड्यू इंडिकेटर दिया जाएगा, स्पीडोमीटर एनालॉग में दिया जाएगा, टैकोमीटर डिजिटल में, ऑडोमीटर डिजिटल में, ट्रिप मीटर डिजिटल में, फ्यूल गेज डिजिटल में, कंसोल मीटर एनालॉग एंड डिजिटल में दिया जाएगा. तो सारी चीज़ काफ़ी बढ़िया दी गई है, कुछ चीज़ें एनालॉग में दी गई है और कुछ चीज़ें डिजिटल में दी गई है और कुछ चीज़ें एनालॉग एंड डिजिटल में दी गई है. पास स्विच दिया जाएगा. यही सब बात करते हैं एडिशनल फीचर्स के बारे में, एडिशनल फीचर्स क्या क्या दिए जाएंगे. जैसे मैं पहले क्लिक करते हैं, एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं? एडिशनल फीचर्स वो होते हैं जो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है. सो गाइस, एडिशनल फीचर्स दिए गए HET इंजन ESP टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ में स्टेप अप सीट दी जाएगी, जिसे हम लोग स्प्लिट सीट भी बोलते हैं, जो कि विथ लॉन्ग सीट के अंदर दी जाएगी. इंजन किल स्विच दिया जाएगा. गाइस, अब बात करते हैं चेसिस सस्पेंशन के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे चेसिस के बारे में. चेसिस डायमंड टाइप के अंदर दिया जाएगा, बड़ी टाइप कम्यूटर बाइक्स में दी जाएगी, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक लगती है देखने में. गाइस, अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में. फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक में दिया जाएगा, और रियर सस्पेंशन हाइड्रोलिक टाइप के अंदर दिया जाएगा. गाइस, अब बात करते हैं बॉडी ग्राफिक्स के बारे में. बॉडी ग्राफिक्स आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ऑसम एंड कमाल के दिए गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं. गाइस, अब बात करते हैं डायमेंशन कैपेसिटी के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे लेंथ के बारे में. लेंथ 2020 mm. गाइस, अब बात करते हैं विड्थ के बारे में. विड्थ दी जाएगी 751 mm. गाइस, अब बात करते हैं हाइट के बारे में. हाइट दी जाएगी 1116 mm की. फ्यूल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, फ्यूल कैपेसिटी 9 लीटर्स की दी जाएगी.
यानी कि 9 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक होने वाला है। सेडन हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हम सीट हाइट बोलते हैं जो कि दी जाएगी 790 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm की, बाइल वेज दिया जाएगा 1278 mm की। कई सब बात करते हैं कर्व वेट के बारे में, कई मैं पहले क्लियर करता हूँ, कर्व वेट वो होता है जैसे कि आप पेट्रोल वगैरह फिल करवा के फिर टोटल वेट करते हैं तो वो कर्व वेट कहलाता है। सो इसका कर्व वेट दिया जाएगा 115 kg का, जो कि इसका टोटल वेट रहने वाला है 115 kg का। ये सब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइट्स के बारे में। हेडलाइट हेलोजन में दी जाएगी, टेल लाइट्स बल्ब में दी जाएगी, टर्न सिग्नल लैंप बल्ब में दी जाएगी। ये सब बात करते हैं बैटरी टाइप के बारे में, बैटरी टाइप 12 volt 5 hours की दी जाएगी और साथ में लो बैटरी इंडिकेटर भी दिया जाएगा। ये सब लाइट देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दी गई है। ये सब बात करते हैं टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे टायर साइज के बारे में। फ्रंट है 80x100-18 का और साथ में रेयर व्हील भी सेमी साइज का दिया जाएगा 80x100-18 का। ये सब बात करते हैं टायर टाइप्स के बारे में, टायर टाइप्स में काफ़ी बढ़िया दिया गया है, टायर टाइप्स में ट्यूबलेस में दिया गया है। ये सब बात करते हैं व्हील साइज के बारे में, फ्रंट व्हील दिया जाएगा 457.2 mm और साथ में रेयर व्हील दिया जाएगा सेमी साइज का 457.2 mm। कई सब बात करते हैं व्हील साइज के बारे में, व्हील टाइप्स में अलॉय में दिए जाएंगे। कई सब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में, ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के दिए जाएंगे। अगर कहीं सब ड्रम ब्रेक लेते हो तो दोनों ब्रेक्स आपको ड्रम में दिए जाएंगे, बट आप डिस्क ब्रेक लेते हो तो फ्रंट ब्रेक आपको डिस्क में दिया जाएगा और साथ में रेयर ब्रेक आपको ड्रम में दिया जाएगा। गई सब बात करते हैं डायमीटर्स के बारे में, गई जब यही चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आप ड्रम ब्रेक लेते हो तो दोनों डायमीटर आपको 130 mm के दिए जाएंगे, फ्रंट ब्रेक डायमीटर 130 mm का दिया जाएगा और साथ में रेयर ब्रेक डायमीटर भी 130 mm का दिया जाएगा। बट आप डिस्क मॉडल लेते हो तो फ्रंट ब्रेक डायमीटर आपको 240 mm का दिया जाएगा और साथ में रेयर ब्रेक डायमीटर आपको 130 mm का दिया जाएगा। ये जैसे कि आपको पता है वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है आपके एक लाइक से आपके भाई काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और अपने भाई की चैनल पहली बार है तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।